कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, मगर कितनी मजबूर होगी वह माँ जिसने अपने आंचल का फूल नाले पर फेंक दिया। हम बात कर रहे हैं बागली अनुभाग के उदयनगर के समीप की, जहाँ पर बुधवार की सुबह एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। सूचना मिलने पर उदयनगर थाना प्रभारी राजाराम वासकेल ने पुलिस बल भेजकर नवजात बच्ची को 100 डायल की मदद से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागली भेज दिया है। नवजात बच्ची जीवित हालत में है, जिसे कपड़े में लपेटकर उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। उदयनगर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। आज सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास ग्राम सेवन पानी से ग्रामीण ने सूचना दी कि एक नवजात बच्ची खुले में गाँव के बाहर पड़ी है, किसी ने लावारिस हालत में उसको फेंक दिया है। तो थाने से तत्काल स्टाफ भेजकर बच्ची को वहाँ से रिस्क कराया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची अभी भी जीवित हालत में है, उसको बागली रेफ़र किया गया है और बागली से भी देवास रेफ़र करने का डॉक्टर ने कहा है। उसके इलाज कराया जा रहा है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं बच्ची बच जाए। और बच्ची किसकी है क्या है विवेचना में मामला पंजीबद्ध कर तलाश की जाएगी उसकी माँ को। बच्ची के माता पिता का अभी तक कोई पता नहीं? फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसका पता लगाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।